दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इस तरह के फ़ोटो एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है पिक्सआर्ट के अंदर। चलिए हम चलते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। पिक्सआर्ट में आने के बाद आपको जाना है स्टार्ट एडिटिंग में, और उसके बाद आपको जाना है ऑल फोटो पर। ऑल फोटो में जाने के बाद आपकी गैलरी इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको जाना है अपने मॉडल इमेज को सेलेक्ट कर लेना है जाके। चलिए मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। ये रहा मेरा मॉडल इमेज, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है एफएक्स पर। एफएक्स पर में जाने के बाद जाना है आपको कलर रिप्लेस पर, और उसके बाद इसे शर्ट पर ला के छोड़ देना है। उसके बाद आपको जाना है सिंपली इरेजर पर, और इरेजर पर जाने के बाद इसे केवल शर्ट पे रहने देना। उसके बाद अगर आपके फेस पे या फिर कहीं भी आ गया होगा इसका कलर, तो उसे रिमूव कर लेना है। चलिए इरेज कर लेते हैं। कलर हो जाने के बाद आपको डन कर देना है, और उसके बाद दोबारा आपको जाना है एफएक्स पर। और एफएक्स पर जाने के बाद यहाँ कलर रिप्लेसन के बगल में जो एक और फंक्शन दिया है उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इरेजर पे आ जाना है। उसके बाद इसे इन्वर्ट कर लेना है। इन्वर्ट करने के बाद आपको ब्रश कर देना है इस तरह से। इस तरह से तो हमें बहुत देरी हो जाएगा। चलिए मैं आपको फास्ट करके दिखा दे रहा हूँ। इतना करने के बाद डन कर देना है। डन करने के बाद आपको फिर से जाना है ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद आपका जो पीएनजी हम यूज करेंगे वो ले लेना है। दोस्तों, अगर आपको कहीं पर पीएनजी नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको पीएनजी अवेलेबल करा दूंगा। उसके बाद ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इन पीएनजीज को अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। चलिए मैं आपको एडजस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। इस वाले पीएनजी पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर, और उस पर स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इसे थोड़ा जूम करके यहाँ पे रखना है इस तरह से कुछ। उसके बाद जाना है इस वाले पीएनजी पर, हीरोज वाला पीएनजी, इसे भी सेलेक्ट करना अच्छी तरह से। उसके बाद इसे स्मॉल करके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद जो वेस्ट पार्ट होगा उसे आपको इरेज कर देना है इस तरह से। इतना करने के बाद आपको डन कर देना है। रोज का जो ऑपेसिटी है उसे थोड़ा कम कर देना है। उसके बाद फिर जाना है आपको इस वाले पीएनजी पर, इसे भी अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद सेम इसका भी ओपेसिटी थोड़ा कम कर देना है। उसके बाद इस वाले पीएनजी को हम सेट करेंगे। इस तरह से सेट करने के बाद आपको जाना है इरेजर पे। इरेजर पे जाने के बाद जो आपके बॉडी पर ये पीएनजी का इफेक्ट आ गया होगा उसे इरेज कर देना है। चलिए मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ इस तरह से।
इतना करने के बाद डन कर देना। डन करने के बाद दोबारा आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद और जो पीएनजी बचा है उसे ऐड कर लेना। उसके बाद ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरह से यहाँ पे कुछ एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको जाना है एफएक्स पर। एफएक्स पर जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट पर, बी एंड वाइट लिखा होगा। उसके बाद सेलेक्ट कर लेना है इसे अच्छी तरह से। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे इरेजर पे। उसके बाद इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे जो साइड में है जहाँ पे आप इसे ब्लैक एंड वाइट रखना चाहते होंगे वहाँ पे इसे ड्रॉ कर देना है इस तरह से। इस तरह तो हमें बहुत देर हो जाएगा, चलिए मैं आपको फास्ट करके दिखा दे रहा हूँ। इतना करने के बाद डन कर देना है। डन करने के बाद आपको फोटो को सेव कर लेना है। पिक्सार्ट में फ़ोटो को सेव करने के बाद उसे सिंपली आपको लाइटरूम में शेयर कर लेना है। शेयर करने के बाद आपको जाना है हाईलाइट पर और हाईलाइट को -20 रख देना है और शेडो को थोड़ा सा बढ़ा देना है और वाइट्स को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है और ब्लैक्स को थोड़ा कम कर देना है। उसके बाद आपको जाना है कलर टूल पर। कलर टूल पर जाने के बाद आपको जाना है मिक्स टूल पर। मिक्स टूल पर जाने के बाद आपको जाना है ब्लू कलर पर और इसका सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देना है और लिमनेस भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद जाना है आपको आसमानी कलर पर और उसका सैचुरेशन 100+ और लिमनेस थोड़ा सा बढ़ा देना। उसके बाद आपको जाना है ग्रीन कलर फिर और इसका सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देना। उसके बाद आपको जाना है येलो कलर पे और इसका सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे और लिमनेस को माइनस कर देंगे। उसके बाद आपको जाना है ऑरेंज कलर पे और इसका सैचुरेशन कम और लिमनेस बढ़ा देना, इससे आपके फेस पर लाइट आ जाएगा। उसी तरह आपको जाना है रेड कलर पर, इसका भी सैचुरेशन कम और ल्यूमिनस बढ़ा देना। उसके बाद डन कर देना। डन करने के बाद आना है आपको इस टूल पर और इसका क्लियरिटी थोड़ी सी बढ़ा देनी है और विग्नेट माइनस कर देना है, -8 रखेंगे। उसके बाद आपको इस टूल पर आना है और इसका शार्पनिंग है ना उसे भी थोड़ा सा बढ़ा देना और मास्किंग को 100+ कर देना है और नॉइज रिडक्शन को भी 100+ कर देना है। इतना करने के बाद आपको इस टूल पर आना है और इसमें रिमूव क्रोमेटिव लिखा हुआ एक ऑप्शन होगा जो ऑफ होगा उसे ऑन कर देना है। इसके बाद फोटो को सेव कर लेना है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।